नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अमित मुरारी आर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो ऐसी होगी जो आपके लिए जानकारी से भरी होगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये नहीं है कि मैं आपका टाइम पास करूँगा, या आपको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो है हमें बुलेट में, ये देखिए चेन स्प्रे, किसी भी कंपनी का आपने अच्छा चेन स्प्रे लिया है और आपको मैकेनिक बोला है कि आप अपनी इसकी चेन की ल्यूब करते रहिए, स्प्रे मारते रहिए, क्योंकि क्या होता है कि इसकी चेन की, ये देखिए लिंक होते हैं, ये ऊपर नीचे हो जाते हैं सूखने के कारण, ऐसे हो जाते हैं, बट खा जाते हैं, तो आपकी चेन ख़राब हो जाती है। तो मैकेनिक आपको बोलता है कि आप अपना चेन स्प्रे ले लीजिए और ख़ुद भी मारते रहिए। तो दोस्तों, आप सबसे बड़ी क्या बड़ी गलती करते हैं, देखिए दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों, नोट करने वाली बात है, ध्यान से देखिए। दोस्तों, क्या लेते हैं आप, सॉरी थोड़ा कैमरा हिल रहा होगा तो इसके लिए माफ़ी मैं चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप अच्छा एक चेन स्प्रे ले लेते हैं किसी कंपनी का, तो उसके बाद आप इसको चेन में कुछ स्टार्ट करके फर्स्ट गियर में लगा के बाइक को स्टैंड पर लगा के, तो इस तरह मारते हैं चेन में यहाँ से इस तरह। और दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ चेन स्प्रे किस तरह उड़ता है, देखिए कितनी मात्रा में एकदम निकलता है, एकदम तेज़ी से के साथ और प्रेशर के साथ। तो दोस्तों, क्या होता है कि हमारे ड्रम प्लेट में, इधर देखिए ध्यान से दिखाता हूँ, ये ड्रम प्लेट में इधर होल होता है, हम स्प्रे मारते हैं तो दोस्तों कुछ मात्रा में ये प्रेशर के साथ इसके अंदर भी चला जाता है। तो दोस्तों, उससे क्या होता है कि ये देखिए उसके क्या नुकसान है दोस्तों हमारा, कि इससे उस लेदर कुछ पॉलिश बन जाते हैं, ठीक है, इसमें चिकनेपन की लेयर आ जाती है और ये पॉलिश हो जाते हैं आपस में ब्रेक लग लग के। कुछ टाइम आपकी ब्रेक लगेगी पर कुछ टाइम बाद ये ब्रेक काम करना हट जाती है, ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी की ब्रेक ही लगी नहीं रही। तो दोस्तों, इसका क्या रीज़न होता है, इसका रीज़न होता है हम गलत तरीके से चेन स्प्रे का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ चेन स्प्रे का असली यूज़ करने का सही तरीका। तो दोस्तों, हमेशा इसको चेन स्प्रे को आपने इधर फ्रंट इस तरह से यूज़ करना, देखिए ध्यान से दोबारा दिखाता हूँ, आपने गाड़ी को स्टार्ट करके गियर लगा के हमेशा चेन स्प्रे को इधर से मारना है इस तरह, देखिए गाड़ी चल रही हो जब तो इस तरह चेन स्प्रे मारना है आपने। इधर से क्या होगा दोस्तों कि आपके ब्रेक शू पॉलिश हो जाएंगे और चेन स्प्रे अंदर जाएगा, उसमें लुब्रिकेशन लग जाएगा। तो दोस्तों, हमेशा चेन स्प्रे का आपने सही यूज़ कैसे करना है, तो दोस्तों आपने चेन स्प्रे का यूज़ हमेशा आगे से करना है। इससे क्या होगा कि आपकी ब्रेकें में पॉलिश नहीं हो पाएंगे, अंदर ऑयल नहीं जाएगा, इसका जो लुब्रिकेंट है, किसी भी कंपनी का आप लुब्रिकेंट लेते हैं तो आपको उसको मारने का तरीका गलत होता है लगभग। आप देखते हो कि आपके ब्रेक शू ज़्यादा नहीं चल रहे, ब्रेकें नहीं लग रही या थोड़ी आवाज़ करने लग रही है, तो उसका क्या कारण होता है कि आपके ब्रेक शू पॉलिश हो जाते हैं। तो दोस्तों, पॉलिश हो जाते हैं तो गरारी और ब्रेक में आपस में आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से, जैसे ट्रक रुक रहा है या गाँ गाँ करके बोलता है। तो दोस्तों, जब भी आपने यूज़ करना है चेन स्प्रे को अपने आगे से, जिस तरह मैंने बताया, किसी अच्छी कंपनी का चेन स्प्रे, ब्रांडेड चेन स्प्रे लेके आपने आगे से यूज़ करना है। अगर आप चेन स्प्रे भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो मैंने आपको पहले भी पुरानी वीडियो में भी आपने देखा चेन केयर, तो उसमें आपको दिखाया कि मैंने 140 नंबर गियर ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, उसको यहाँ भी ढक्कन से ऐसे डालना है गाड़ी स्टार्ट करके फर्स्ट गियर में। तो दोस्तों, कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, मेरी जानकारी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, जब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना पाऊँगा आपके लिए। दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।